said, put your good hands all over me. जिंदगी में पहली दफा कोई ऐसा शो कर रहा हूँ जिसको करने के बाद मुझे सिर्फ सवाब मिलेगा। हालांकि पिछली दफा भी मैं स्माइल टिल सैरी में परफॉर्म किया था, लेकिन उस वक्त नियत एक्सपोजर मिलने की थी। थैंक यू FM 89। ये लोग तो मुझे वैसे कभी देख ही नहीं पाते। ऐसे शोज में परफॉर्म करने का ना बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आपने मेक श्योर करना होता है कि किसी की ज़कात के पैसे सही जगह लग रहे हैं। तो रमज़ान का मुबारक महीना है, जुम्मे का मुबारक दिन है, जुम्मतुल विदा है। इसी मौके की मुनासबत से आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है। आज हम बात करेंगे टिंडर पे। जितने भी लोग टिंडर इस्तेमाल नहीं करते, कोई बात नहीं, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। मैंने किए, मैं बताता हूँ आपको। हमने टिंडर इस्तेमाल की, टिंडर इंस्टॉल की, लॉगिन किया फेसबुक से। अब टिंडर में सबसे पहले ना आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, और प्रोफाइल में सबसे पहला स्टेप होता है चूजिंग द राइट पिक्चर्स। और मेरी फेसबुक पे कोई एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसको देख के मैं खुद अट्रैक्ट होता हूँ अपने आप। माँ से भाई एक बचपन की तस्वीर के जिसको आप टिंडर पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो बेबी सीटर तो ढूंढ नहीं रहा मैं अपने लिए। लेकिन भाई तस्वीरें तो लगानी है, ठीक है, इसलिए मैंने अपनी फेसबुक की तस्वीरों को सबको फीमेल नंबर ऑफ फीमेल लाइक्स के हिसाब से सॉर्ट किया और टॉप 5 लगा दी मैंने टिंडर। मैंने कहा इन तस्वीरों को स्ट्राइक रेट अच्छा है, ये रंग लाएंगी। उसके बाद अगला स्टेप होता है डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है अपने अपने बारे में। दिस इज वेयर यू इम्प्रेस द गर्ल विद योर राइटिंग स्किल्स। और हमारे राइटिंग स्किल्स पे बचपन से कोई बंदिश है। और दूसरी बात यह है कि जो डिस्क्रिप्शन होती है ना टिंडर की प्रोफाइल पे, सामने पहले नहीं दिखती, पहले तस्वीर दिखती है। नीचे कोने में एक छोटा सा बटन होता है जिस पे क्लिक करते हैं तब जाके डिस्क्रिप्शन दिखती है। इसका मतलब अगर आप कोई बंदी आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रही है तो उसने तस्वीरें देख के लेफ्ट स्वाइप नहीं किया, मतलब अभी चांस है, नब्ज आ रही है। सर जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि लोग यूज कर लेते हैं फिर कंटेंट। डिस्क्रिप्शन से हम आगे बढ़ते हैं, सेटिंग में जाते हैं टिंडर की। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है रेडियस सेलेक्ट करते हैं आप, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। उसमें बेसिकली वो होता है क्या है कि आप टिंडर को बता रहे होते हैं कि देखो 5 किलोमीटर के इलाके में जो कुछ भी है ना, ले आओ। मैंने 1 किलोमीटर का रेडियस सेलेक्ट किया। मैंने कहा अगर कोई सीन होता है तो कम से कम करीम का खर्चा बच जाए। उस वक्त मैं रहता भी तारिक रोड पे था, मैंने कहा तारिक रोड पे तो सीन ऑन होगा यार, मतलब तारिक रोड पे आप शाम के वक्त एक साइड से दूसरी साइड पैदल चल के जाएं, आपके दिन भर की फ्रस्ट्रेशन वैसे दूर हो जाती है सारी। लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। और उस वक्त झील पार्क भी मैंने कहा पास ही में है, क्योंकि ग्लोरिया जींस वाली औकात थी नहीं अपनी, अभी भी नहीं है। अब हमने रेडियस सेलेक्ट कर लिया। रेडियस के बाद टिंडर आपसे पूछती है आपकी प्रेफरेंस, सर आप मेल देंगे या फीमेल या बोथ। मैंने कहा फीमेल। अब प्रोफाइल बन गई, प्रोफाइल आना शुरू हो गई, किसी को मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, किसी को राइट स्वाइप कर रहा हूँ, और अजीब अजीब प्रोफाइल। मतलब यार एक बंदी टेंडर पे अकाउंट बनाती है और प्रोफाइल पिक्चर में उसने तस्वीरें अपनी मेहंदी के डिफरेंट डिजाइनों वाले हाथों की लगाई हुई। मतलब प्रोफाइल बनाते हुए चल क्या रहा था उसके दिमाग में, और हिसाब लगाएं वो तस्वीरें देखे मेरे दिमाग में क्या कुछ चला होगा। मैं सोच रहा हूं मुझे अपनी शक्ल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना इसको अपने डिजाइनों पे। चलो हाथों का भी कुछ कर लेता है बंदा। एक बंदी आई, उन्होंने तो बुर्ज खलीफा की तस्वीर लगाई हुई प्रोफाइल पिक्चर।
बदबू क्या करूं मैं? चले बुर्ज खलीफा भी सही है, सही है, कुछ कर लेता है बंदा। एक तो मुसलमान की बच्ची आई, उसने खाना काबा की तस्वीर लगाई। एग्जैक्टली मेरा भी यही था। मैं कंफ्यूज, मैं लेफ्ट स्वाइप करूं राइट स्वाइप करूं? जाने अनजाने में कोई बेहरमती ना हो जाए मेरे से। कोई मुफ्ती साहब हैं जानने वाले तो बताओ यार। प्रोफाइल आ रही है, आ रही आ रही है, मैं लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, राइट स्वाइप कर रहा हूँ, लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद टिंडर बोलती है, देयर इज नो वन न्यू अराउंड यू। आई लाइक यस आई नो, दैट इज व्हाई आई इंस्टॉल्ड यू। कहती है ट्राई चेंजिंग योर प्रेफरेंसेस। मैंने कहा हाँ, रेडियस चेंज करके देख लेते। फिर मैं रेडियस चेंज करता गया, मैं बढ़ाता गया, बढ़ाते बढ़ाते मैं इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया। फिर मैंने कहा यार एक डेट के लिए इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना सही नहीं, ये सही नहीं। मजा आ रहा है आपको? अभी तो ये चैरिटी शो में थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ।